वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और आज हमारे दरमियान कौन है जी, है शेफ मायरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो गुड़िया? क्या यूनिफॉर्म है मेरी बहन का। वाह जी भाई, खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, डिश का नाम क्या है? डिश का नाम है दाल माश मखनी। दाल माश फ्राई, जब वो भी सोचा था उन्होंने, दाल माश फ्राई। ये एक जरा सा यूनिक सी लगी ना, मुझे पीसी हुई मिर्च नजर आ रही है ना, मुझे हल्दी नजर आ रही है, तो ये कुछ डिफरेंट सी है। लेट्स सी, सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताते हैं। मायरा बताओ। इसमें सबसे पहले 1 कप जो है दाल है माश की, जिसको मैंने मतलब भिगो दिया है। ठीक है, 1 घंटे के लिए आपने तकरीबन इसको भिगोना है। उसके बाद हम इसमें ऑयल यूज करेंगे, ऑयल 3-4 टेबलस्पून है। ठीक है, हरी मिर्च जो है 2 बड़ी साइज की थी, मैंने इसको कटिंग कर ली है राउंड साइज में। ठीक है, उसके अलावा आपने अदरक लेनी है, क्योंकि गार्निशिंग में जाएगी, अदरक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेमन आप ऊपर से डाल के खाएंगे, जबरदस्त। साथ में 1 अनियन है जिसको हमने फ्राई कर लेना है। 1 गड्डी प्याज हमने काट लिया मीडियम साइज की है, इसको आप फ्राई कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून है। अच्छा, सिर्फ जिंजर का ही इस्तेमाल मुझे लग रहा है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल होगा और हरी मिर्च से तेजाई है। बिस्मिल्लाह करें हम लोग, और वो भी गर्म हो गया। और थैंक्स फॉर ग्लैम गैस जिन्होंने हमें ये पूरा किचन स्पॉन्सर किया है, एंड इनके जो है स्टोव आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि सबसे पहले हम दाल को बॉइल करेंगे। पहले दाल को हम थोड़ा सा बॉइल करेंगे। हल्की सी इन्होंने कहा बॉइल, तो पहले से हमने इसको भिगो के रखा हुआ था, तो ये काफी देर से भीगी हुई है, 1 घंटा ऑलमोस्ट, तो ये तकरीबन 5-10 मिनट में ही डन हो जाएगी। जैसा हम मूंग की दाल को बनाते ना जो फ्राई वाली, बिल्कुल ये उसी तरीके से बनेगी, लेकिन 5-10 मिनट के अंदर ही आराम से जो है डन हो जाएगी। ओके, अब इसको इसको सिर्फ डाल के आपने तेज फ्लेम के ऊपर, पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है। अच्छा ठीक है, पानी नहीं डालेगा ज्यादा। ओके, पहले से कर लेते ना 10 मिनट पहले, मेरे ख्याल इसको बॉइल कर लेते, टाइम फिर बच जाता ना हमारा। नहीं नहीं, अभी हो जाएगी। अच्छा, काफी देर से भीगी हुई है ना। ओके, अच्छा 10 मिनट्स के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा, बस सिर्फ 5 मिनट में भी। अच्छा ठीक, ज्यादा देर नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ मायरा तुम ऐसा जुर्म ना करो, दाल नहीं छोड़ो। ये लो स्पून लेकर आओ, स्पून लेकर आओ, जल्दी से चम्मच लेकर आओ, ऐसे करो मेरी गुड़िया। ये लो, जाया नहीं करती मैं बिल्कुल भी चीजें, बेस्ट नो वेस्ट। यस ओके, हमने इसे हमने जी इसको फौरन इसको इन्होंने डाल दिया है, और इसको ढक्कन रख के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट, ये 5 मिनट में आराम से, क्योंकि काफी देर से भीगी हुई है, इसको टाइम नहीं लगता। गुड गुड, अच्छा ये बताएं कि कितने टाइम से आप काम कर रही हैं? मैं तकरीबन मुझे 2016 से कर रही हूँ मैं इस फील्ड में काम, और होम बेस्ड अपना जो है केटरिंग चला रही हूँ। किस नाम से आपका? मायराज किचन। अच्छा, फेसबुक आईडी क्या है? फेसबुक आईडी भी है facebook.com। तो लोग आपको आपसे ऑर्डर कर, अच्छा बड़े ऑर्डर्स वगैरह सुना है, देगी शेगे पकाते हो, कबाब शबाब ऐसा? हाँ, मतलब पार्टीज वगैरह के लिए भी लोग दे देते हैं, 100 लोगों का, 50 लोगों का, अब खाना दबंग किस्म का बन जाता है। बन जाता है, बात है भाई, क्या जबरदस्त। अच्छा क्या बताया था फेसबुक आईडी? क्या बताया आपने? फेसबुक आईडी भी मायराज किचन के नाम से ही जो है, मतलब मायराज किचन की डीपी बनी हुई है, तो उस नाम से ही फेसबुक आईडी। अच्छा, कभी कभी मायरा ऐसा हुआ कि यार इतना बड़ा ऑर्डर आ गया हो और आपके पास ऑलमोस्ट एक ऑर्डर है, फिर आप हैंडल कर लेते हो अपने घर के अंदर? ऑफकोर्स आप नहीं, आराम से हो जाता है, क्योंकि मैंने जो उसका सेटअप है ना ऑर्डरिंग का, वो सेटअप ही घर में थोड़ा डिफरेंट बनाया हुआ है। जैसे यूट्यूब चैनल का सेटअप अलग है, तो अलग स्टूडियो बनाया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये आपका ये बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इनको इन्वाइट किया अपने मॉर्निंग शो में। कुछ लोग सिर्फ अपनी यूट्यूब के ऊपर ही बस कुकिंग दिखा रहे होते हैं, और वो लोगों के लिए मतलब ये बिजनेस से देखा जाए तो लोगों ने जैसे ऑर्डर किए, तो ज़्यादातर ऑर्डर किस तरह के आते हैं? लाइक चाइनीज या मतलब पाकिस्तानी खानों को ज़्यादा पाकिस्तानी ज़्यादा आते हैं, जैसे बलोची टिक्का बहुत मशहूर है। रियली? तो यहाँ का बन रहा है बलोची टिक्का? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बलोची टिक्का बहुत ज़्यादा मशहूर है। जिस दिन बनाना मुझे बलोची टिक्का दिखना। यस यस यस, अच्छा बहुत जल्दी हो गया माशाल्लाह से, जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे पास टाइम कम है, उसको जरा सा क्लियरली जल्दी कर लेंगे, क्योंकि लाइव शो है वो। हम लोग उसमें भी आपको बता दिए कि आप कम से कम इतने इसको आप बॉईल कर सकते हैं, बाकी दम पे भी पक सकता है। ठीक है, दम पे ही ज्यादा पकती है, इसको बॉईल हाफ डन करते हैं, बाकी ये दम पर बस दम पे हो जाएगी। चलिए हम इसको क्विकली कर लेते हैं, टाइम शॉर्ट। अच्छा, इसका बघार जो है वो तैयार करते हैं। ठीक है, बघार तैयार करने के लिए आपने सिर्फ तेल के अंदर पहले प्याज को जो है ब्राउन करना है। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करें। और ये अब पहले से निकालना था ना मायरा, क्यों ये फ्राई पैन निकाल लो, ये लो, ये सही है। नहीं, ये सही है। ओके, ये सही है जी, हो गया।
ओके, आज हमारी पहले पहले गेस्ट है ना, इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा किचन के बारे में। अच्छा जी, क्या चाहिए आपको? ये दे दो। हाँ बस ये ऑयल जाएगा इसके अंदर। अच्छा उसको मैं सोचूं जरा सा स्लो कर दूं शहजादी, इसको बस स्लो करके मैं भी हटा ही नहीं हूँ चूल्हे से, क्योंकि ऑलमोस्ट डन ही है, क्योंकि भीगी भी थी ना। इसको इधर शिफ्ट कर, इसको इधर शिफ्ट कर। ये हमने बिल्कुल घरेलू किचन हो गया है ये। गुड मॉर्निंग विद सभी। अब ये जो है ऑयल हमारा गरम हो जाएगा, उसके बाद हम फ्लेम ऑन जरा सा इसको जरा ऊंचा करें। यस ओके डन हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑयल डाल दिया इसके अंदर, सबसे पहले आप प्याज को डाल के ब्राउन कर लें। ठीक है गुड हो गया। अच्छा ये अच्छा, इसकी स्टीम में भी हीटनेस में रहेगी ना। ओके और देखो अगर से ऊपर करना कितना हमने और ऊंचा करना। नहीं सही है, ठीक है गुड है, बस इतनी। ठीक है अच्छा मैं क्या पूछ रही थी कि ज्यादातर लोग ऑर्डर करते हैं? ज्यादातर लोग ऑर्डर करते हैं और ज्यादातर सीजन वाइज ऑर्डर होते हैं। सर्दियां हैं तो लोग चाइनीज का ज्यादा ऑर्डर करते हैं, सूप्स वगैरह ज्यादा ऑर्डर जा रहे होते हैं। या अगर कितने सालों से ऑर्डर ले रहे हो? मैं तकरीबन 3 साल तो हो गए। माशाल्लाह दिस इज अ ग्रेट जॉब भाई। 3 साल से तो मैं ऑर्डर्स ले रही हूँ और 2 साल तकरीबन पढ़ाते हुए भी हो गए। माशाल्लाह यानी क्लासेस वगैरह। हाँ क्लासेस वगैरह भी ऑनलाइन और चल रही होती है। आई एम सो हैप्पी कि मेरे पास इतनी सीनियर और एक जीनियस जो है शेफ मौजूद हैं, और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि ये इस वक्त मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी को इन्होंने ज्वाइन किया है और मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मायरा, और मैं चाहूँगी कि बहुत सारी जो है वो लोग आपको कांटेक्ट करें और आप उनको उनके ऑर्डर्स लें, और बहुत सारी बच्चियाँ जो सीखना चाहते हैं तो देन हम बहुत जल्द इनका नंबर भी मेंशन कर देंगे ताकि ये और बच्चियाँ भी इनसे फ़ायदा हासिल। ये भी अच्छा होगा, प्याज भी ब्राउन हो रहा है हल्का हल्का। तो प्याज के साथ साथ हम मुझे बताएं कि इस दाल को कौन से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? कौन ये खुद से क्रिएट की कर दिया डिश है या कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली मैं बचपन में जब छोटी थी ना तो मुझे सिर्फ नानी जात की पसंद थी, और हमेशा मेरी नानी जो है इसी तरीके से बनाती थी। तो मैं अपनी अम्मी से भी कहती हूँ आप वैसी दाल नहीं बनाती ना जैसी नानी बनाती है। अम्मी बुरा नहीं मानती, अम्मी कभी भी बुरा नहीं मानती। अम्मी की तारीफ है तो कैसे बुरा बनाएंगे? वो बुरा नहीं मानती, उनको पता है कि वो वाकई में बहुत अच्छा बनाती है। कुछ लोगों की होता है टेस्ट जो होता है ना वो हम नहीं भूलते, नहीं भूलते। अब हमें अपने वालदा के जो है ना वो शलजम गोश्त और आलू गोश्त जो है ना जिसमें कसूरी मेथी यार फ्राइडे को वो मैं नहीं बोलती, वो टेस्ट मुझे कहीं मिला ही नहीं है रियली। इतनी भी कर लो, एक हमारी बड़ी भाभी बहुत अच्छा बनाती, शायद उन्होंने क्योंकि वो हमारी खाला की बेटी भी है और इसलिए शायद अल्लाह पाक की तरफ से को उनके हाथों में बड़ी भाभी उनके हाथों में वो टेस्ट आता है मुझे अपनी वालदा का, और वो सिर्फ आलू गोश्त में आता है। अच्छा ये प्याज जो है आपकी जैसे ही ब्राउन होगी यस, तो आप जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और मिर्चों को डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आप इसके अंदर दाल को डालेंगे, हल्का सा नमक डाल के अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसको आप थोड़ी देर के लिए कुक करके बाकी आप करें वन बाय वन डालें। अभी ये कितना और ब्राउन, बस ये ब्राउन हल्का सा सोते करना है इसको, इसका नहीं नहीं ब्राउन करना, ब्राउन करना तो होने देना, ब्राउन हो रहा है ना। आई लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। डन हो गया, क्योंकि इस दाल का असल में मजा जो है ना इसी वाली प्याज से होगा। अच्छा मतलब एक जो प्याज होती है ना, बहुत सारे लोग दाल में का हल्की सी फ्राई की पिंक हो गई डाल दी, इस दाल का मजा ही है कि ब्राउन होनी चाहिए प्याज, क्योंकि इसका तो फ्लेवर है इसी से आएगा। क्या बात है। अच्छा इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा? ये नहीं, दाल का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो व्हाइट ही रहेगी, व्हाइट ही रहेगी। और इन्होंने अदरक इतनी डाली है क्योंकि ये वैसे बादी होती है, लेकिन इस वजह से ये मेरे ख्याल में सारा खत्म हो जाएगा क्योंकि इतनी ज्यादा। अच्छी सबसे अच्छी बात है कि ये वाली दाल आप दोपहर में खाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रात में ये फिर हजम होने में बहुत प्रॉब्लम देती है। ओके कुछ चीजें ऐसी होती है लेकिन उनमें प्रोटीन इतनी होती है बीन्स वगैरह में, तो हमें इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं स्किप ना करें। लो जी हो गया है, इससे पहले कि जल जाए तो हमने चलना है जी। प्याज ऑलमोस्ट होने वाली है, बस बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। और आप अपने ये नहीं जी प्लेट रखिए, इस पर रखना चाहिए स्पून, ये रख लीजिए। और सबसे पहले हमने इसमें, अच्छा जी नाजिन ये पूरी मुतमईन हो रही है कि अब मैं भी देखूं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बस और इस मौसम में आप कुछ गाना नहीं सुना रही है? मैं सुना दूंगी फिर, वरना थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से उसको हिलाते जाओ। चाचा बोल रही अब बोली करी हिलाते जाओ जी। इन्होंने सुना हुआ है गाना शबनम और नदीम का, यस थोड़ा इंजॉय भी किया करें आप लोग घरों में भी। ये देखें जी
इन्होंने डाल दिया है अदरक का, सॉरी अदरक की हल्की सी प्याज ब्राउन हो जाए, अदरक डाल दें क्योंकि जब तक अदरक होगी प्याज और ब्राउन होती रहेगी। वाह वाह वाह, जलनी नहीं चाहिए। अरे यार ये दगना जलना नहीं, वरना वो टेस्ट बड़ा कड़वा सा आ जाता है। कड़वा सा प्याज के साथ यही मसला है। हमने क्या हरी मिर्च, प्याज को इधर से, हाँ हरी मिर्च डालनी। देखिए मैं इनकी जरा हेल्प करवा रही हूँ ताकि ये इजीएस्ट हो। साथ साथ नाज़रीन देखते जाए, क्विकली बन रही है, क्विकली। अच्छा अब इसके अंदर क्या रह गया? अच्छा जो दाल है ये डालनी है। ओके डन 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 डन, वाओ झटपट, वाओ बिस्मिल्लाह, वाओ जबरदस्त। इन्होंने सारी दाल ही कन्वर्ट कर दी बड़े वाले बाउल में। ओके डन हो गया, लाओ ओके लाइक हो गया। अब आपने इसके अंदर सिर्फ नमक डालना है। हस्ब जायका, हाँ मैं यूजुअली घर में भी अपना हाथ से डालती हूँ। अल्लाह मुझे भी यही आता, मेजरिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है ज्यादा गिर गया। नहीं नमक तो वैसे भी हर बंदा अपने हिसाब से ही डालता है। थोड़ी सी अदरक हम डालेंगे, ठीक है, और इसको अभी थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। मैक्सिमम कितनी देर इसको हल्की आंच करनी? हाँ हल्की आंच अभी मैं कर दूंगी। इसको 5 मिनट हमने तेज आंच पे पकाना है, उसके बाद 10 मिनट आप हल्की आंच पे पकाएंगे। एंड देन आपकी दाल, और ये गार्निशिंग के लिए, ये गार्निशिंग के लिए क्योंकि नींबू इसके ऊपर लगा। अच्छा ये जब बन जाए तो आप हमें ज्वाइन कीजिएगा विद प्लेट्स के साथ, ठीक है? थैंक यू सो मच। एक बार फिर बताएं अपना जो फेसबुक आईडी रखे लोग आपके साथ। फेसबुक आईडी जो है महाराज किचन के नाम से है, ब्लैक डीपी लगी हुई है, स्पून और फोक बना हुआ है, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आपको पेज, नहीं ये देखो कलर नहीं बिल्कुल भी वाइट ही रहा है, देखो कितना जबरदस्त रहा है हमारा। हाँ यही है क्योंकि अगर मैं हल्दी डाल देती थी येलो हो जाता, और इसके साथ ये ग्रीन हरी मिर्च तो और भी हसीन लग रही है। जैसे इसको हम लोग अभी स्टीम पे रखेंगे ताकि जो है ये अच्छी तरह कुक हो जाए। थैंक यू सो मच जी नाजी। हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं वापस क्योंकि ब्यूटी सेगमेंट इज रेडी। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।